एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसमें इंस्टाग्राम का ऐप हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम का ऐप ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप विद ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर करके। अगर आपको इस टाइप का कुछ ऑप्शन मिलता है साइन अप या साइन इन, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं साइन अप यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक करिएगा आप। उसके बाद सबसे पहले आपको मांगेगा फ़ोन नंबर, तो आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है। और बेटर रहेगा ये कि आप वो फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में ही लगा के रखें, उस सिम कार्ड को अपने मोबाइल में ही लगा के रखें ताकि SMS ऑटो वेरीफाई हो जाए। मैंने लगा के रखा है। तो जब आप अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे उसके बाद क्लिक करिए नेक्स्ट। उसके बाद ये कुछ परमिशंस मांगेगा तो उसे कर दिए अलाउ। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे बोलता है नेम सेलेक्ट करने के लिए, तो अपना नेम यहाँ पे लिखिए आप। उसके बाद यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिख लेंगे, जो हम अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा कोई सेट करिए आप। तो यहाँ पे हम अच्छा सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपना नेम और अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इंस्टाग्राम में अपना जो है यूज़र नेम दिया है खुद से, यहाँ पे देख सकते हैं जो रमन कुमार 8910 लिखा हुआ है, ये इंस्टाग्राम में हमने खुद दिया है। अगर हम इस यूज़र नेम को रखना चाहते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हैं, दूसरा यूज़र नेम रखना चाहते हैं, तो क्लिक करिए चेंज यूज़र नेम में। और चेंज यूज़र नेम में क्लिक करके आपको अपना यूज़र नेम यहाँ पर रख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ रमन कुमार राजा, और देखता हूँ कि अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया, यानी कि अवेलेबल है। अगर ग्रीन टिक नहीं लगता है यहाँ पे, इसका मतलब आपका यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। आप कुछ अलग अलग तरीके से ट्राई करिएगा, क्योंकि ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, यूज़र नेम सेलेक्ट करना। उसके बाद क्लिक करिए नेक्स्ट। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। नेक्स्ट में हमको ऑप्शन देता है कनेक्ट टू फेसबुक, क्या हम इसको फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर नहीं करना चाहते तो नीचे में क्लिक करिए स्किप। उसके बाद यहाँ से फिर से करिए स्किप। कुछ परमिशंस मांगेगा, इसे कर दीजिए अलाउ। यहाँ में आपके फ्रेंड्स की लिस्ट आ जाएगी, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्लिक करिए ऊपर में नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड फोटो का, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं या फोटो दे भी सकते हैं। मैं आपको फोटो अपलोड करके बताता हूँ। क्लिक करिए ऐड ए फोटो में। उसके बाद यहाँ पे से तीन ऑप्शन मिलते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, आप फेसबुक से ले सकते हैं या फिर फोटो खींच सकते हैं कैमरा से, अगर टेक फोटो में क्लिक करते हैं। और चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी में क्लिक करते हैं तो आपकी गैलरी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं गैलरी से ओपन कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी। यहाँ से मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी आपकी रिसेंट फ़ोटो। तो मैं यहाँ से कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं इसे अलाउ करता हूँ परमिशंस। तो ये फ़ोटो को आप रिसाइज और क्रॉप कर सकते हैं कि किस टाइप का रहेगा ये। तो ये मैंने रिसाइज कर दिया है। उसके बाद ऊपर में आपको एरो दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करिए। अगर आप इस फोटो को शेयर करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो इसे डिसेबल कर दीजिए। मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो सेव हो रहे तो क्लिक करिए सेव। अगर आप हर बार अपना पासवर्ड डालना चाहते हैं तो क्लिक करिए स्किप। मैं इसे सेफ रखना चाहता हूं तो मैं क्लिक कर दूंगा सेव, और बार बार मुझे अपना पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है रमन कुमार राजा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो अपलोड किया था वो आ चुका है। ये सारा इंटरफेस है इंस्टाग्राम का, और इस तरह से हमारा अकाउंट बन चुका है। नीचे में आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक करिएगा सर्च वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से आपकी किसी को सर्च कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। प्लस वाले आइकॉन में क्लिक करिएगा, यहाँ से आपकी गैलरी खुल जाएगी और आप कुछ अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो वीडियो। फिर अगर आप इस दिल वाले आइकॉन में क्लिक करते हैं, हार्ट वाले आइकॉन में, तो यहाँ से आप अपने दोस्तों को फॉलो कर सकते हैं और किसी को देख सकते हैं कि आपको किसने फॉलो किया है। उसके बाद सबसे लास्ट में है ये पर्सन का आइकॉन, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्लिक करने पर आपका प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे कि इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपके काम की है, इसे पसंद है आइए आपको, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में। और ऐसी वीडियो मैं लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।